दोस्तों, अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आईपीएल 2020 का तीसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। यह मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा। आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और उनके युवा बल्लेबाज देवदत्त पाडिकल ने ओपनिंग करते हुए एक शानदार अर्धशतक मारा और आरसीबी को 90 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर देवदत्त पाडिकल 56 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 42 गेंदें खेली जिसमें 8 चौके शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, तुरंत ही अगले ओवर की पहली गेंद पर एरॉन फिंच भी आउट हो गए। फिंच ने 27 गेंदों में 29 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। इसके बाद कप्तान विराट कोहली से सभी को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 16वें ओवर में कैच आउट हो गए। अपनी पारी में कोहली ने 13 गेंदें खेली जिसमें उन्होंने कुल 14 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, आरसीबी की पारी थोड़ा लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी कि तभी एबी डिविलियर्स ने क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मात्र 30 गेंदों में 51 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आरसीबी में जान डाल दी। इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर डिविलियर्स रन आउट हो गए। अपनी पारी में डिविलियर्स ने 51 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 लंबे गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे भी रन आउट हो गए और इसी तरह से आरसीबी ने 20 ओवर में 163 रनों का एक शानदार स्कोर बनाया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर काफ़ी अनलकी तरीके से डेविड वार्नर रन आउट हो गए। इसके बाद मनीष पांडे ने सलामी बल्लेबाज बैरिस्टो के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मैच में पूरी तरह से बनाए रखा। सनराइजर्स हैदराबाद विकेट की तलाश में थी कि तभी 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सेट बल्लेबाज मनीष पांडे एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में चहल की गेंद पर कैच आउट हो गए। अपनी पारी में मनीष ने 33 गेंदों में 34 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसी बीच दोस्तों, बैरिस्टो अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और लगातार चौके छक्के मार रहे थे और इसी बीच उन्होंने एक शानदार अर्धशतक भी ठोका और पूरी की पूरी एसआरएच टीम को मैच में बनाए रखा। दोस्तों, इस मैच में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा सभी को चौंकाया था वो है आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पाडिकल। आपको बता दें, देवदत्त ने पिछले साल सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। पाडिकल घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। पिछले साल सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में उन्होंने T20 क्रिकेट पर अपना डेब्यू किया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 में पाडिकल ने सिर्फ 11 पारियों में 67 की औसत से 609 रन बनाए थे। इसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में पाडिकल के बल्ले से खूब रन निकले थे। इसके बाद अब आईपीएल के अपने पहले ही मैच में जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है उससे ये साफ पता चलता है कि वो आगे और भी बड़े कीर्तिमान रचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में किस खिलाड़ी की बल्लेबाजी सबसे अच्छी लगी। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आईपीएल 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।